हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम दितिमन में। डीपीएस टीचर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहां पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, प्री प्राइमरी हेड मिस्ट्रेस की वैकेंसी है। तो जहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं, यानी अगर आपकी पीजीटी में सब्जेक्ट पर कमांड है, बीएड आपने किया है, या आपने बीएड नहीं भी किया है, आपकी सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। फ्रेशर यहाँ एलिजिबल रहेंगे, जिसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आज तक का, वह भी यहाँ एलिजिबल रहेंगे। कोई भी फीस आपकी नहीं ली जा रही है, ना ही कोई एज यहाँ मेंशन की गई है। तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है वो यहाँ शो की गई है, हेड मिस्ट्रेस अकेडमी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एंड सीनियर, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, असिस्टेंट टीचर प्री प्राइमरी, स्कूल काउंसलर, वेलनेस टीचर, लाइब्रेरियन, एडमिशन काउंसलर। यहाँ पीजीटी में अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, साथ में बीएड किया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। एडमिन ऑफिसर की, सीनियर एग्जीक्यूटिव की, एडमिन एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट की, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, कैसे अप्लाई करोगे आप, बिल्कुल जीरो से मैं आप लोगों को एंड तक बताऊंगी। बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। सबसे पहले मेन जो वेबसाइट है वहां पर आना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से ये एडवर्टीजमेंट आई है। कॉन्टेक्ट अस पर जो है वो आप लोगों को जाना है। यहाँ पर लिखा है करियर, करियर्स पर जैसे ही आप जो है क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा इस तरीके का, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जहां पर दो तरीके हैं आपके यहाँ पर अप्लाई करने का। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म, या तो आप ऑनलाइन जो है फॉर्म भर सकते हैं, डाउनलोड स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म, या फिर आप जो है फॉर्म को डाउनलोड करके उसको ऑफलाइन मोड में भर के और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ अटेस्टेड करके और फिर जो है स्कूल में भेज सकते हैं। तो दो तरीके हैं। सबसे पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि ऑनलाइन जो है वो आप कैसे भरेंगे। तो ये जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म है और बहुत अच्छे से आपको सुनना है कैसे और क्या यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर जॉब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, सिलेक्ट वैकेंसी यानी कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या अदर प्रोफाइल, ठीक है, तो ये आप यहाँ सिलेक्ट करके भर देंगे। सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, तो यहाँ पर जो है वो आप लोग अपना सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपका नाम, पता, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर यहाँ भर लेंगे सब में। उसके बाद जो है वो अपना एड्रेस यहाँ पर भरना है आपको, ठीक है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है, हर स्टेट का बच्चा यहाँ पर एलिजिबल है। परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। उसके बाद जो है आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड अगर आपने किया है तो बीएड की भर दें, नहीं किया है कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट पे कमांड और पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। बीएड है अगर आपके पास, एमएड है, एमफिल है, पीएचडी है, सीटेट है, या एनी अदर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ भर सकते हैं। और जिसके पास जो है वो एमफिल नहीं है, पीएचडी नहीं है, सीटेट नहीं है, तो वो ब्लैंक छोड़ दें। नेक्स्ट जो है वर्क एक्सपीरियंस, जहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, अगर आपको जो है पुराने से अब तक जो है जितना भी एक्सपीरियंस है आपको, तो ये जो पूरा कॉलम है, टोटल एक्सपीरियंस, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको भरना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा कर देंगे आई एम फ्रेशर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप क्लिक कर देंगे आई एम फ्रेशर, यानी आपने अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो। नेक्स्ट है करंट जॉब इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी करंट जॉब इन्फॉर्मेशन है, यानी पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपने कब ज्वाइन किया, वहाँ आपको कितनी सैलरी मिलती थी, ठीक है, अलाउंस मिलता था, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको यहाँ लिखना, एड्रेस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, बेसिक, ठीक है, यहाँ सब कुछ भर देना है जिनका एक्सपीरियंस है पुरानी जॉब का। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, तो आपको जो है कौन सी लैंग्वेज जो है पढ़नी, लिखनी, बोलनी आती है, तो वो दो भाषाएं आपको यहाँ लिखनी है, तो हिंदी इंग्लिश ही मेनली यहाँ रहते हैं। एनी अदर लैंग्वेज नॉन, अगर कोई और भी भाषा जानते हो तो यहाँ पर लिखें, कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहाँ लिखो। अपलोड रिज्यूम, उसके बाद जो है वो अपनी जितनी भी मार्कशीट हैं, उन डॉक्यूमेंट जो हैं उनको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड पासपोर्ट साइज, उसके बाद जो है आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है वहां अपलोड करेंगे। यहाँ लिखा है फाइल साइज नॉट मोर देन 500 KB। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमारा जो है फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है, हमने पूरा भर दिया है, तो यहाँ बहुत ध्यान से देखो हर चीज को। जैसे कि यहाँ अपलोड रिज्यूम लिखा है तो फाइल साइज नॉट मोर देन 5 MB, 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फाइल की साइज। इसी तरीके से फोटो जो है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अपलोड सैलरी स्लिप, अगर पहले आपने जॉब की है और वो जो सैलरी स्लिप है वो आप यहां पर जो है अपलोड कर देंगे।
नेक्स्ट जो है आई एग्री पर करके और आपको यहाँ फॉर्म सबमिट कर देना है, बस इतना ही आप लोगों को करना है। और उसके बाद आप ईमेल और मोबाइल नंबर जो भेजेंगे, फिर आप वेट करेंगे। 5 अगस्त लास्ट डेट है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म भरने की, ठीक है। ऑनलाइन भरना चाहें तो ऑनलाइन भरें, अगर आप ऑनलाइन नहीं भर पाते हैं तो आप लोग ऑफलाइन भरें। ऑफलाइन भी दिया हुआ है यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया करियर सेक्शन में, क्लिक हेयर टू ऑनलाइन स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म, डाउनलोड स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो जो आप ये ऑफलाइन भरेंगे तो इस फॉर्म को आप कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है सारी की सारी इसमें भर के लास्ट में जो है वो सिग्नेचर कर लेना है। एड्रेस जो है वो आप लोगों का ऑफलाइन आप भरेंगे तो बी ब्लॉक सुशांत लोक फेज 1 सेक्टर 27 गुड़गांव हरियाणा, हरियाणा गुड़गांव से है ये। ये जो है वो पिन कोड फोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर कॉल करें, ठीक है। तो एड्रेस जो है आप लोगों को यहाँ पता लग गया। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड ऑनलाइन और डाउनलोडेड करना है, ठीक है। और स्कूल की वेबसाइट आपकी ये है, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। आपका कॉल जो है वो कब आएगा आपको ईमेल कर दिया जाएगा, नहीं तो आप इस पर जो है वो चेक करते रहें। ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म टू बी सबमिटेड एट द स्कूल रिसेप्शन बिटवीन 9 AM टू 3 PM। अगर कोई ऑफलाइन जो है फॉर्म जमा कराने जाता है या फिर ईमेल करना है तो वह 9 बजे से 3 बजे तक जो है कर सकता है। तो ये जो है आप लोगों की अच्छी जॉब है, यहाँ सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो मिलती है। आपको पता है DPS स्कूल जो है इसका नाम ही जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।